हेलो नमस्कार आदा आप सत्याकाल स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के उत्तर प्रदेश के नंबर वन चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर एक बार फिर से दमदार आगाज वर्ष 2024 का इंग्लिश का ये पहला सेशन तो हमने सोचा क्यों ना हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए जो 2024 में बोर्ड परीक्षा में बैठने तो जा रहे हैं लेकिन जागे अभी एक जनवरी को है जी हाँ वो पूरे मस्ती के माहौल में थे इकतीस दिसंबर और एक जनवरी उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी तो सेकेंड ऑफ जैन को मेरा सेशन नहीं हुआ तो ये रहा दो का पहला सेशन जहां पर डिस्कशन होगा पूरा और डिस्कस के साथ बहुत सारे आंसर भी मिलने वाले हैं तो भैया अगर ये पता चले कि हमें इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करनी है आप केमिस्ट्री कर लेते हैं कि

आना चाहिए फिर से वर्ष 2024 की शुरुआत है बच्चे तो शुरुआत एक दमदार आगाज से होनी चाहिए आप लोग का प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने शुरुआत में शायद एक स्लाइड देखी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे ये आप लोग का बच्चे प्यार है ये आप लोगों की सौगात है कि कुछ ही दिनों में दस से बारह दिनों में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने बहुत प्यार दिया तो हम ये चाहेंगे अगर आपको पूरी अंग्रेजी और अच्छी तरीके से पढ़नी है अगर आप पूरी चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर जाकर के इस वीडियो के बाद चुकी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या करें और कैसे करें भैया क्या करें और कैसे करें या क्या क्या पढ़े कैसे क्या कैसे और क्या क्या पढ़े ठीक तो इस वीडियो में आपको पूरा इंग्लिश का कंटेंट प्योर कंटेंट मिलने वाला है वीडियो सेशन अभी लाइक की संख्या और लाइक की संख्या बहुत ही कम है जोरदार तरीके से आप इस सेशन को महातांडव की तरीके से मानते हुए क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो आपके एग्जाम में रामबाड़ का काम कर सकती है जो बच्चा अभी अभी जागा है हाल में कल या परसों जागा है उसके लिए उसको जगाने के लिए एक बार फिर से आपके बाबा लेकर आए आप सभी के लिए एक ऐसा सेशन जिससे आपकी इंग्लिश की 50 परसेंट की समस्या खत्म हो जाएगी ये मेरा वादा है वीडियो के एंड तक लगे लगातार बने रहेंगे आप लोग देख कर जाएंगे कॉमेंट करेंगे कि वाह बाबा जी वाह ये तो हमारा सारी समस्याओं का पूरा समाधान था एकमात्र एक ऐसी वीडियो जो कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन है तो भैया वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं लाइक और लाइव की संख्या रुकनी नहीं चाहिए कमेंट्स करते रहिएगा वीडियो सेशन के बाद कमेंट होना चाहिए कि सर सर कैसी रही वीडियो तो ये आपके देखेंगे कमेंट भी हम आपका रिप्लाई भी करेंगे आपके कमेंट कमेंट में तो तो जरूर करते रहिएगा ये आपको वोकैबलरी पढ़नी हो पूरी हालांकि हम लेकर फिर से आएंगे लेकिन फिर भी बच्चे तब तक जब तक दूसरा सेशन आए इंग्लिश का उससे पहले आप इसको जरूर देखिएगा वोकैब्लरी जिस पर आपने कुछ ही दिनों में बाइस व्यूज लगा दिए जिस पर आपने अस्सी व्यूज यहां लगा दिए दो छे से सात दिन के अंदर आर्टिकल राइटिंग कुछ

आप सभी को जुड़ना है और इस संकल्प और इस मुहिम को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक क्वालिटी एजुकेशन का क्वालिटी एजुकेशन का आपको ये संकल्प पूरा करना है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम इज टोटली डेडिकेटेड टू द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स आप सभी के लिए आप चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो आपके लिए हम खड़े हैं तो मुकेश सर का ये सपना जिसको साकार करेंगे आपके साहिर बाबा जिसको साकार करेंगे आपके सुमित सर जिसको साकार करेंगे, साकार, करेंगे, साकार करेंगे आपके अंकित सर जिसको साकार करेंगे दशानंद सर ये रहे आपके आचार्य ऋषि द्विवेदी और ये रहे आपके मोस्ट डैशिंग पर्सनैलिटी किशन पांडे सर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इससे

करवाएंगे बेटा मॉडल पेपर भी आप लोग के लिए सॉल्व होगा कितना पढ़ना है किस टॉपिक को पढ़ना है और कितने दिन में वो तैयार हो सकता है गारंटी है आप ऐसा करके देखिएगा गारंटीड आपका वो टॉपिक तैयार होगा सेशन अभी भी शेयर नहीं है बच्चा एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपका ये परिवार है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा ताकि आपको लगातार ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए पहले क्वेश्चन में हमने आपके दो क्वेश्चन एक ऐसे रखे हैं जैसे कि आपको ये आइडिया हो कि हमें किस तरह से पैसेज उठाने हैं पैसेज जो कि आपको पंद्रह नंबर देकर जाएगा बेटा पंद्रह नंबर की बात है तो पैसेज में आपको कितना टाइम देना है कम से कम पांच दिन इसको आप दीजिए और इसमें पांच दिन में कम से कम आप दस पैसेज करेंगे और वो पैसेज बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए जैसे कि आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में अगर हम बात करें विद्या क्वेश्चन बैंक में किसमें विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े बडे पैसेज दिए बिल्कुल मत तैयार करिए विद्या विद्या क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक बैंक के केवल एक पैसेज उठा लीजिए कोई बड़ा उसकी प्रैक्टिस करिए बाकी आपके दूसरे क्वेश्चन बैंक हालांकि हमने पांच यहां दिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको सोल्यूशन करिएगा इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा उठाना है सो तीन

और ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप इसको ये मत समझे कि हमने ऐसे उठा के कहीं से भी छाप दिया है अगर आपने मेरा कुछ पिछले वाला अनसीन पैसेज वाला देखा होगा उसमें भी हमने एक पैराग्राफ पैराग्राफराग्राफ यहाँ से उठाए हैं होप सो कि आपने वो टॉपिक तैयार कर तो लिए होंगे तो इसीलिए हम कुछ नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं देखो बच्चा पढ़ाई ऐसी होती है जो धीरे धीरे करी जाती है अगर एक बार में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा तो बेटा या तो आप परेशान हो जाओगे उल्टी कर मारोगे क्योंकि चार दिन का खाना यदि एक दिन में खा लिया तो समझ लो आपने मोटे नहीं हो सकते इसीलिए आपको धीरे-धीरे आपको चीजें बताई जा रही है कि अब यह तैयार करें आप लोग पिछले डेढ़ महीने से इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इतना प्यार कर रहे हैं तो इस वजह से ही आप लोगों की परेशानी हमने अपने ऊपर ले ली है कि अब इंपॉर्टेंट ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है आप सिर्फ पढ़िए जो हम हाँ इंपॉर्टेंट के रूप में आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आप दूसरा पैराग्राफ ये ले लीजिए और दूसरे पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं तो ये दूसरे पैसेज के क्वेश्चन है से वन सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड फिफ्थ के बाद यहां पर जो फिफ्थ में है के रूप में भी दे सकता है वो हो सकता है डायरेक्टली सिनोनिम और एंटेनिम पूछ ले तो ठीक है ये दूसरा पैसेज अब दूसरे पैसेज के बाद बच्चा आता है मारी कहा गया भाई दूसरा पैसेज ठीक

ये कंजूसी है आप लोगों की आपके ऊपर भारी पड़ेगी बेटा आपकी ये गद्दारी गद्दारी करवे गद्दारी आपको बहुत भारी पड़ेगी वन थाउजेंड प्लस एक मिनट के अंदर होना चाहिए ठीक ये तीसरा सेशन आ, ये तीसरा पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद ये पांच सात क्वेश्चन आएंगे सात क्वेश्चन सब में हो सकते हैं किसी किसी में हो सकता है पांच क्वेश्चन हो पांचवे के बाद पांचवे के अंदर वन टू थ्री करके दे दे आपको तो ये इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका सोल्यूशन भी हम आपको दे चुके हैं कुछ का सोल्यूशन हम आपको देंगे कुछ का सोल्यूशन हम आपको देंगे आने वाले सेशन में लेकिन अभी आपके लिए ये प्रैक्टिस है उसके बाद आपको याद रखना है केवल पांच दिन पहले पांच दिन बेटा देखो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले पहले पांच दिन आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कहां

पांच दिन में आपको दस पैराग्राफ पैसेज कर लेने हैं, दस कर लेने हैं और फिर आप पैसेज नहीं अपना, अपना बुद्धि ना लगाइए ना ज्यादा समय बर्बाद करिए ओनली फाइव डेज टू गिव दिस टॉपिक केवल पांच दिन देने बेटा नेक्स्ट उसके बाद चौथा पैराग्राफ आपके साथ पैसेज नंबर फोर ये है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है ठीक उसके बाद ये क्वेश्चन इसके, आए तो, बेटा आप जब लिख तो बात ध्यान रखना से, तमीज के दायरे में लिखना क्योंकि यहां पर बच्चे डी लिख देंगे तो भी आंसर गलत माना जाएगा तो इसलिए अगर वन दिया हो तो आंसर नंबर वन अगर ए दिया हो तो आंसर नंबर ए अगर ऐसे वन दिया हो तो आंसर नंबर वन ऐसे ही लिखा जाए ठीक इसका क्वेश्चन ले लिया पांचवा पैसेज पांच दिन केवल पांच दिन और पंद्रह नंबर तो बेटा ये इसी वजह से हम लेकर आए हैं ताकि आपको आसानी हो अब तैयारी करने में कि हमें क्या पढ़ना है कैसे अभी आपके आर्टिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेटर्स कौन कौन से तैयार करने ग्रामर में कौन कौन से करने और सबसे लास्ट में आपका लिटरेचर का पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व 13 ये चारों क्वेश्चन लिटरेचर बेस्ड हैं आपको स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन कहां से तैयार करने हैं सेंट्रल का लिखना है किसका याद करना है तो चलिए ये रहा आपका पांचवा पैसेज ठीक इसके सात क्वेश्चन ये रहे वन टू थ्री फोर फाइव तो बच्चा महातांडव में जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार सपोर्ट दिया उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट इसमें होना चाहिए ताकि लगातार आपके सेशंस बने रहे तो अभी तक वीडियो सेशन को शेयर नहीं किया गया है जैसा कि हमें लगता है ठीक ये पैसेज आपको तैयार करने हैं पंद्रह नंबर आपको केवल पांच दिन में तैयार करने हैं अब आ जाती है बात सेकेंड क्वेश्चन हुई क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सेकंड इसमें केवल तीन दिन और दस नंबर आपके केवल तीन दिन अगर आप डेज को डिवाइड करेंगे बेटा डेज को डिवाइड करेंगे डेज अगर आप डेज को डिवाइड करेंगे बेटा तो ही आपका कल्याण हो सकता है अगर आप ये सोचे एक टॉपिक के ऊपर आप जो है पूरा का पूरा पंद्रह दिन लगा दे और आपने खूब अच्छे से तैयार कर लिया मान लीजिए आर्टिकल ही रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं पंद्रह दिन तो बेटा दूसरे क्वेश्चन पे समय कब दोगे तो बेहतर ये केवल तीन दिन अब इस तीन दिन में आपको कम से कम आर्टिकल कम से कम छ आर्टिकल तैयार करने हैं छ आर्टिकल तैयार करने ही पड़ेंगे कुछ आर्टिकल सोशल इश्यूज से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बेटा आपके लिए कि अगर मिस पूछा जा रहा है वो सोशल मीडिया का हो सकता है मिस हो सकता है

करने के लिए ठीक ठीक तो प्रॉब्लम ऑफ 100 परसेंट तैयार करिए जाते हैं तो आगे जो हमने साइंस से रिलेटेड टॉपिक लिखे हुए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित आर्टिकल जो है न, इसको नहीं करिए आप बिल्कुल बंद करिए कोई आवश्यकता नहीं है हालांकि दस नंबर तो कम से कम तीन टॉपिक दिए जाएंगे और तीन टॉपिक के अंदर तीन टॉपिक के अंदर तीन टॉपिक के अंदर एक टॉपिक करना है कोई दो टॉपिक नहीं सिर्फ एक टॉपिक और एक टॉपिक आपका सोशल इश्यूज से होगा एक टॉपिक आपका कम से कम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा और एक टॉपिक हो सकता है किसी पर्सनालिटी से दे दिया जाए किसी पर्सन या बायोग्राफी बायोग्राफिकल ठीक तो ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए सोल्यूशंस के लिए बेटा तो हम आपको बता दें कुछ आर्टिकल हमने आपको बहुत पहले ऑलरेडी करवा रखे हुए इसके लिए आप आर्टिकल वाली वीडियो मेरी जरूर देख लीजिएगा कहाँ गई कहाँ गई ये आर्टिकल राइटिंग की जो अभी दस पंद्रह दिन पहले ही आई हुई है बच्चा तो उस उसपे आप लोगों ने बच्चों ने बहुत सी तैयारी करी हुई है आप में से बहुत से नए बच्चे होंगे तो इस वीडियो को जरूर आकर देख लीजिएगा आर्टिकल राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर्मेट एंड ट्रिक वायरल आर्टिकल्स हैं ये बेटा ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं आगे चलते हैं बेटा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद ये रहा ये आपके शिक्षकों का हैशटैग आप एट द रेट मुकेश विद्याकुल सर्च करके उनसे जुड़े और लाइव चैट भी कर सकते हैं इवन लाइव कॉलिंग कर सकते हैं साथ में आपके एग्जाम टाइम पर आपको ये सर्चिंग बहुत ही हेल्प करेगी आप अपने टीचर से वन टू वन अपने डाउट्स पूछ सकते हैं टैग मुकेश सर हैश टैग ऋषि सर विद्याकुल हैश टैग सुमित सर विद्याकुल हैश टैग अंकित सर विद्याकुल संकल्प सर विद्याकुल किशन सर और साहिर सर विद्याकुल हैश लगा करके सर्च आउट करें यू विल फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम ठीक एट इंस्टाग्राम आपके यूपी आप किस यूपी के कोने से हैं आप ये जरूर चलाएं हर घर विद्या हर घर विद्या गुल ये हैश टैग जरूर चलाएं आ जाइए भाई लेटर्स में आपको सबसे बड़ी बात लेटर्स में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा देखिए हमने आपके लिए क्या कर रखा हुआ है लेटर्स बेटा इस बात को याद रखना हमने इतना बड़ा कट क्यों करा हुआ है तो बेटा आपको लेटर्स अब आपको बिल्कुल नहीं लास्ट वीडियो में हमने आपको लेटर्स बताया तो कंप्लेन लेटर तैयार करने को होप्स हो कि आपने वो केवल दो कंप्लेन लेटर जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं जो कंप्लेन लेटर लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं लेटर राइटिंग में तो आपने तैयार कर लिए होंगे तो अब आपको केवल और केवल इसको तैयारी नहीं करना है बेटा अब ये कंप्लेन लेटर आना नहीं है आपका बिजनेस लेटर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है एप्लीकेशन आपको ध्यान नहीं देना बिल्कुल कट कर, -कर दीजिए तो कुल मिलाकर ये सारे लेटर्स को कट कर, -कर दीजिए इसमें का आपको कोई फायदे का कोई मतलब का टॉपिक नहीं है बेटा कोई मतलब का टॉपिक नहीं है आप इनको नहीं तैयार करेंगे डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट ऑन थ्री टॉपिक्स इनमें आपको कोई समय बर्बाद नहीं करना है अब करना कौन सा है ये करना है लेटर टू एडिटर तो अब यहां पर लेटर टू एडिटर खास तौर से हमने कुछ टॉपिक या पॉइंट वाइज लिख दिया है जैसे नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर ब्रेक डाउन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर कंडीशन ऑफ रोड्स और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इन सेनिट्री कंडीशन तो क्या बात है आज का जोश इतना ठंडा क्यों है क्या बात है भाई आज का जोश इतना ठंडा इतना एकदम उदासीन क्यों है वीडियो सेशंस आप सभी लोग पसंद कर पा रहे हैं वीडियो सेशंस को आप लाइक भी कर रहे हैं लेकिन शेयरिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बेटा ग्रामर के ऊपर हमने बहुत सारे सेशन लिए इवन आई विल ब्रिंग कंसिस्टेंटली सम मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर सेशन तो बने रहेंगे कल छोड़ परसों फिर मेरा आएगा आपको अगर टाइम टेबल देखना है तो बेटा टाइम टेबल देख लीजिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम टेबल जो कि आपके टीचर्स जी किस किस दिन आते हैं वो ये रहा बेटा ये रहा आपका टाइम टेबल इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करेंगे एक जनवरी से लेकर आज तीन जनवरी आ गई है होप सो कि आप लोगों ने अपने तैयारी अपनी टाइम टेबल अपने उसके ऊपर अपने टेबल ऊपर लगा लिया होगा तो आप डेली बेसिस पर हमसे पढ़ सकते हैं बायोलॉजी सर से सर से पढ़ सकते हैं शाम सात बजे शाम आठ बजे आपका या तो हिंदी के टीचर आएंगे या तो फिजिक्स के फिजिक्स आपकी चार दिन चलेगी हिंदी आपकी दो दिन चलेगी उसके बाद रात नौ बजे सुमित सर और अंकित सर का महातांडव होता है रात नौ बजे और ये रहा मंडे को इंग्लिश होती है हिंदी होती है मैथ्स होती है ट्यूजडे को बायोलॉजी होती है फिजिक्स होती है केमिस्ट्री होती है फिर वेंसडे को इंग्लिश होती है फिजिक्स होती है और मैथ्स होती है फिर थर्सडे को बायो होती है हिंदी होती है केमिस्ट्री होती है तो टेक टेद्रीन शॉट अविल आप इसका स्क्रीन शॉट बिल्कुल ले ले और वीडियो सेशन को जबरदस्त तरीके से हो गया तो आगे चलते हैं आगे बहुत सारी चीजें हैं बच्चे लिटरेचर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द लेटर टू तो एडिटर अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट की पॉइंट हमने आपके लिए रख दिए कि नॉइज पॉल्यूशन और वाटर सप्लाई वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंडीशन ऑफ रोड लॉ एंड ऑर्डर और इनसेनेटरी कंडीशन ये जहां पर भी आपको मिल जाए 101 परसेंट साहिर बाबा कहता है आपसे 101 परसेंट आपके आपके एग्जाम में एक लेटर दो आएंगे तो तो धरती पर कुछ नहीं है बिना विश्वास के दुनिया ही नहीं चल सकती है, तो विश्वास करो कि हमने ये जो की पॉइंट दिए हैं कोई नहीं बताने वाला उत्तर प्रदेश को खासतौर तो से पढ़ाने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ है जो उत्तर प्रदेश के नाम पर बच्चों से प्यार पा सके आप हैं हमारे वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम हैं यूपीएन से क्या है हम यूपीएन से तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे क्या जो आपकी इच्छा हो अब लेटर्स आपके आपके क्वेश्चन बैंक में इस तरह से दिए होंगे बेटा कुछ लेटर्स आपके इस तरह से दिए होंगे ये लेटर आपके क्वेश्चन बैंक में अगर इस तरीके से दिया है स्क्रीन ले ले ये लेटर्स आपको हमने खास तौर से पार्टिकुलर लेटर्स आपसे कह दिए कि ये लेटर्स आने वाले हैं ये देखिए दूसरा लेटर टू एडिटर अबाउट पोलिटर वाटर सप्लाई या राइट अ लेटर चाहे ऐसे लिख कर दे दे, दे बेटा हो सकता है इतना ही बड़ा लिखा हो हो सकता है यहां से यहां तक ये लिखा हो राइट एलेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द पोलिटेड वाटर सप्लाई तो चाहे पोलिटर वाटर सप्लाई को इतना लंबा सेंटेंस लिख के दे दे यू हैव टू राइट अबाउट द वाटर सप्लाई या तो इसके ऊपर दे देगा ठीक नेक्स्ट है बेटा टू एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिस ब्रेकडाउन्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स के ऊपर आपको एडिटर के ऊपर एक लेटर लिखना है बार बार एडिटर के ऊपर ये बात हम कहते हैं इसलिए क्योंकि हंड्रेड परसेंट इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए लिंक है आप वहां पर जुड़े

जी तो विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी है अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स तैयार करिए डेफिनेटली आपके 90 मार्क्स तो ऐसे आ जाएंगे

चौथा लेटर इस तरीके से चौथा लेटर पूछा जा सकता है बेटा राइट अ लेटर टू द एडिटर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इंप्रूव द द इन इन सैनिटरी कंडीशन पार्ट ऑफ लिव सेंटेंस दे दे बच्चे कोई दिक्कत नहीं राइट अ अट लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखा हो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नगर निगम लिखा हो बात वही है सिर्फ एड्रेसिंग वर्ड बदल दिया इन्होंने क्या बदल दिया बच्चे एड्रेसिंग वर्ड बदल दिया है सिर्फ अब आप लोग यही ढूंढते रह जाएंगे कि हम तो नगर निगम, तीनों का letter एक ही है. है. दे दे, या sanitary condition दे. कुल मिलाकर आपको लिखना वही letter है. आप तैयार करिए ये लेटर डेफिनेटली आपको मिलेगा राइट लेटर टू द मेयर चाहे वो मेयर को दे दे एड्रेस करने को संबोधन करने को चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दे नगर आयुक्त या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नगर निगम को दे दे ठीक हो गया तो अब बात करते हैं आगे ग्रामर में खोले भाई वीडियो सेशन शेयर करेंगे ग्रामर में आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है विद इन वन मिनट आई विल डिस्कलोज ग्रामर टॉपिक क्या आपको नरेशन सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन uh, और सिंटैक्स में इतना बहुत सा है कैसे करेंगे तो आपके लिए उसका समाधान तो चले आगे बढ़ाते हैं कराए आगे आगे स्लाइड्स ओपन करें कि ना करें तो वीडियो सेशन एक बार फिर से जोरदार तरीके से तो बहुत बहुत बढ़िया एक बार जोरदार तरीके से इस सेशन को वन थाउजेंड प्लस ले जाएंगे तब बच्चा समझ में आएगा कि हाँ यू आर लविंग इट आपको अच्छा लग रहा है ठीक आगे चलते हैं तो में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये लीजिए भाई आपके चार नंबर का पहले सवाल पांच दिन आपको कम से कम इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम पांच दिन प्रैक्टिस में भी मैक्सिमम आपको आधा घंटा थर्टी मिनट करना है एक टॉपिक को बेटा डेफिनेटली अब आप करेंगे कहां से क्या पढ़ना है पहले तो आपको पढ़ना क्या है क्या पढ़ना है नरेशन में अगर आपको पढ़ना है बेटा तो नरेशन में आपको केवल दो सेंटेंस पढ़ने हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव इसके अलावा आप तीन सेंटेंस बिल्कुल ना पढ़ें बिल्कुल ना पढ़ें ये ना पढ़ें ये ना पढ़ें आपको डेफिनेटली इन दोनों में से एक सेंटेंस जरूर मिल जाएगा हैव ऑलरेडी टेकन द सेशन ऑन दीज टू सेंटेंसेज इन दोनों पर हमने खास तौर से एक फुल ग्रामर वाला सेशन ले रखा हुआ है लास्ट मंथ चाहे तो वो देख लें नहीं तो इस वीडियो सेशन के एंड होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी फ्राइडे को सेशन लगा है वो किस पर चाहिए आपको सो ये आपकी जिम्मेदारी आर्टिकल ऐसे में क्या अंतर है आर्टिकल ऐसे में अंतर तो बहुत है बट यूपी बोर्ड में जो पूछा जाता है उसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि टॉपिक्स वो एसेज वाले ही देते हैं और आर्टिकल में ही पूछ लेते हैं ठीक है सिंथ सिंथेटिक नहीं होता बेटा सिंथेसिस होता है सिंथेसिस होता है ठीक इंट्रोगेटिव इनके ऊपर आपको सिर्फ तैयार करना है क्योंकि दो नंबर की केवल बात है नरेशन पे केवल दो नंबर मिलने वाले तो कैम मैक्सिमम आपको तीस मिनट नरेशन पे दे देना है ठीक और ये कम से कम पांच दिन करना है पर डे आप आधा आधा घंटा और कहां से करेंगे बेटा जो पीवाई क्यूज है सिर्फ पीवाई क्यूज उठाइए कम से कम दस सालों के दस सालों का मतलब हो गया लगभग लगभग तीस चालीस सेंटेंस हो जाएंगे मैक्सिमम तीस से चालीस करिए आपको डेफिनेटली नरेशन में कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो आप करना पाएंगे क्योंकि एक ही सेंटेंस तो बनाना है एंड डोंट वेस्ट सो मच टाइम आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं अब सिंथेसिस में बात आती है तीन सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना है केवल ये दोनों पढ़ लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को नहीं भी पढ़ेंगे बेटा तो भी काम चलेगा तो भी बात बनेगी ठीक आगे चलें ठीक अब इसको भी आप पीवाई क्यू से करेंगे और केवल और केवल आधा घंटा ही पढ़ेंगे एक दिन में आप आधा घंटा इसे पढ़ लीजिए और आधा घंटा इसे पढ़ लीजिए केवल आधा घंटा अगर आप समय को आधार बनाइए समय टाइम टेबल बनाइए स्किड्यूलिंग कर लीजिए बेटा तो तुम्हें कोई भी टॉपिक बुरा या बहुत ही टफ नहीं लगने वाला लेकिन तुम लोग क्या करते हो सुबह से लेकर आज इंग्लिश पढ़ ले भाई तो सात घंटे इंग्लिश ही चाटे डाल ले और समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि घट्टा तुमने सोच लिया सब हड़प कर ले ये पॉसिबल नहीं होता इंग्लिश है थोड़ी कम समझ में आती है केवल पंद्रह पंद्रह मिनट आधा आधा घंटा समझ दीजिए बच्चे केवल पंद्रह पंद्रह मिनट तो ठीक सिंथेसिस के ऊपर चलेंगे बच्चे सिंथेसिस के बाद अगर बात करें अगले चार नंबर की इस पर भी आपको पांच दिन ही देने हैं पहले दो टॉपिक उधर तैयार करिए पांच दिन आधा आधा घंटा पढ़िए हम ये नहीं कहते कि आप मैथ्स की जगह इस पर दो घंटा दीजिए फिजिक्स की जगह आप दो घंटा दीजिए इंग्लिश का पेपर बहुत आसान होता है डर ज्यादा चाहे कितना भी लगे आपको डर लग सकता है लेकिन पेपर उतना मुश्किल नहीं होता बेटा पेपर बहुत आसान है आप उसे टॉपिक वाइज देखते हैं आप उसे ये नहीं देखते अबे पूछ तो वही रहा है बार बार अगर आप पंद्रह सेंटेंस भी कर लें उस पंद्रह सेंटेंस के आधार पर हम कम से कम डेढ़ सौ सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन आप उस सेंटेंस को रटने की कोशिश करते हैं कि अबे यार ये वाला सेंटेंस नहीं आवा वो वाला हम तैयार करके आए थे नहीं वहां शब्द के चेंजेस हो सकते हैं बेटा शब्दों के चेंजेस हो सकते हैं लेकिन भाव के चेंज नहीं होते इट इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट ये एक लैंग्वेज है बेटा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है ठीक बेटा बिल्कुल पीडीएफ भेजी जाएगी यहां सब कुछ मिलता है पीडीएफ भेजी जाएगी ठीक अब आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री टॉपिक्स हैं जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन सबसे ऊपर रखिए एक्टिव एंड पैसिव और फिर एडवर्ब टू इसमें से भी थोड़ा कम आता है लेकिन इसमें से आता है तो आप इन दोनों टॉपिक को और इन तीनों टॉपिक को कम से कम आधा आधा घंटा थर्टी मिनट्स पढ़ लीजिए बेटा चार नंबर ये भी देगा टॉपिक दो नंबर का ये दो नंबर का ही है ठीक इनमें अब जो नहीं पढ़ना है अब बिस्कु बिल्कुल मत पढ़िए ना अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़िए एक्सट्रामेटी असर्टिव ना पढ़िए असर्टिव इंट्रोगेटिव क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एक्टिव पैसिव की है और उसके बाद पॉसिबिलिटी डिग्री ऑफ कंपेरिजन की है उसके बाद पॉसिबिलिटी इसकी है

वर्ब नहीं आ सकती सिंगलर वर्ब सिंगलर सब्जेक्ट सिंगलर अगर प्लुरल तो वर्ब तो आप इस बात को जानते हैं अगर वर्ब से पूछता है वो केवल इतना ही पूछता है सिंगलर प्लूरल का एडवर्ब के रिगार्डिंग सेंटेंस दस सालों में शायद एक या दो बार हो सकता है किसी सेट में पूछ लिया जाए तो इसमें भी ना के बराबर सवाल आते हैं कंजंक्शन आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट आप इसे पहले से कर चुके हैं सिंथेसिस में किसमें चुके हैं बेटा सिंथेसिस में तो बच्चे आज का सेशन तुम लोगों ने बहुत ही लेट डाउन किया हमको बहुत निराश किया जोरदार तरीके से इसे एक बार 1000 प्लस ले जाएंगे अभी चूंकि लिटरेचर का पार्ट पूरा बचा है पोम में कौन सा तैयार यहां तक के आपके इस पैराग्राफ बचे हैं हिंदी ट्रांसलेशन के और इंग्लिश बेटा उसी को टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश कर रहे हैं आ, एक बच्चा है अंशुमान इंग्लिश को कैसे तैयार करने के बारे में ही पूरी सेशन है ठीक उसके बाद इंटरजेक्शन से कोई सवाल कभी नहीं आया आप इसको मत पढ़िए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन और इसके ऊपर आप कहिएगा तो एक पूरा एक महामैराथन ले लेंगे पूरी ग्रामर की कम से कम तीन से चार घंटे की जिसको चाहिए वो कमेंट सेक्शन वीडियो के एंड के बाद जरूर करें कि सर वी वॉन्ट महामैराथन ऑन होल ग्रामर महामैराथन ऑन होल ग्रामर पूरी ग्रामर पे महामैराथन जिसको भी चाहिएगा जितने बच्चों कमेंट होंगे कम से कम हमें सौ कमेंट मिल जाए अलग अलग बच्चों के कम से कम अलग अलग बच्चों के सौ कमेंट्स होने चाहिए एक ही बच्चा पांच बार नहीं लिखेगा ठीक है ठीक उसके बाद आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे क्या दे दिया है भाई? भाई. Central idea. Central idea को क्या करना है बच्चे idea, चार का पूछता है सबसे और सबसे में आपको इन तीनों के कर लेने है. है साहिर बाबा वादा करता है आपके दो सेंट्रल आइडिया फंस जाएंगे दो सेंट्रल आइडिया डेफिनेटली फंसेंगे माई मदर कीपिंग क्वाइट आन ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि आपके ये सेंट्रल आइडिया थोड़े आसान है और इसे पोम को समझना भी आसान है a thing of beauty or roadside stand को बिल्कुल मत पढ़िए साफ तौर पे क्रॉस लगा हुआ है बच्चे ध्यान रखना इसका सेंट्रल आईडिया बिल्कुल याद मत करना इट इज ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम समय की बर्बादी है और तुम इसे समझ भी नहीं पाओगे लेकिन ये पोम थोड़ी आसान है इसलिए इनकी तैयार करिए ठीक आगे, आगे चलें आगे चला जाए भाई चला जाए आगे चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कौन सी से तैयार करें तो स्टेड क्वेश्चन अब आपको बेस्ट क्वेश्चन में हम आपको बता दें आप इनके स्टैंडर बेस्ट क्वेश्चन मत तैयार करें क्यों ना तैयार करें क्योंकि जब आप इसके सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे जब आप इसके सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे तो बेटा सेंट्रल आइडिया पढ़ते पढ़ते आपको उसके बहुत सारे सवाल अपने आप याद हो चुके होंगे ठीक और इसके ऊपर मैक्सिमम एक दिन आपको देना छह मार्क्स का बिल्कुल भी नहीं है ये आपका चार अच्छा अच्छा ये नंबर का ठीक है ठीक है ये छह नंबर का है क्वेश्चन इस पर आपको दो दिन इसलिए देना है बेटा क्योंकि इसमें आपकी तीन पोम है ये पोम आपकी बहुत ही लंबी है और ये पोम थोड़ी सी टफ भी है तो इसमें कम से कम पांच से छ अगर आप कहेंगे तो स्टेंजा बेस्ट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे इसमें से पांच से छह स्टेंज़ाज़ आपको कम से कम कंप्लीट करने इस बार ये पोम को ऐड किया गया है तो मेरी दिल धड़कने कहती है मेरा इंस्टिंक्ट कहता है या सिक्थ सेंस कहता है कि आपके कम से कम सात सेट में सात सेट में पांच सेट ऐसे होंगे जहां पर आपके रोड साइड स्टैंड से स्टेंजा जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोम है टफ पोम है आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर यही से उठा करके दे देगा आपको डेफिनेटली फंसाने के लिए एग्जाम आपको यही से दे देगा अ रोड साइड स्टैंड से ये बात ध्यान रखना तो इसलिए इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेट तैयार करिए उसके बाद अगर तैयार करना है कीपिंग क्वाइड ये थोड़ी सी टफ है इससे टफ नहीं है हालांकि ये थोड़ी सी टफ है तो पहले नंबर पे आपकी पोम में सबसे टफ पोम है अ रोड साइड स्टैंड और दूसरे नंबर पे अगर को थोड़ी कम टफ है वो कीपिंग क्वाइड बाकी तीन पोम आपकी बहुत आसान है आंट जेनिफर टाइगर माय मदर एट 66 अ थिंग ऑफ ब्यूटी तो यहां पर इसीलिए पहले आप इसके तैयार करिए

एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ बेस क्वेश्चन तैयार करेंगे हालांकि कम से कम पच्चीस स्टेंडा बेस क्वेश्चन है लेकिन हम आपको डेफिनेट बता रहे इन तीनों के बेस क्वेश्चन करिए इनके मत करिए क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होंगे जब आप सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे आगे चले भैया ये टाइम टेबल फिर से आ गया है टाइम टेबल आप जरूर जरूर नोट कर लेंगे बच्चा है ना तो एक बार जोर लगा के एक बार जोर लगा के बचे जब तक हम पानी पीते हैं एक बार जोर लगा के इसे वन थाउजेंड प्लस करेगा बच्चा देखते हैं कौन कितना सपोर्ट करता है यूपी बोर्ड को प्यार करने वाला बच्चा यूपी बोर्ड का होगा यूपी बोर्ड के टीचर हम्म hmm. ठीक चलो आगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बार बहुत बढ़िया एक पुश होगा और यह वन प्लस होगा एक पुश और ये वन प्लस होगा बहुत बढ़िया चलिए 970 लाइक और 970 लाइक ये पहली बार पिक्चर देखने को मिल रही है 970 970 974 इट इज स्टिल नॉट आर्टिकल में हेडलाइन डालकर लिखा जाता है बेटा बहुत आसान सी चीजें आर्टिकल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है अब आ जाते हैं आपके पैराग्राफ के ऊपर बहुत बढ़िया सिर्फ और सिर्फ टेन यत्त गो टेन यत्त गो टेन यत्त गो सिर्फ और सिर्फ दस 10 बच्चे वन थाउजेंड में होने को बचे हुए हैं So, ये आपका मोटिवेशन ये प्यार आपका बना रहेगा ये परिवार आपका ऐसे ही एक डेढ़ महीने के अंदर वन मिलियन आप देखेंगे अपने इस परिवार को इस प्यार के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू आपके मुकेश सर की तरफ से बहुत धन्यवाद ठीक चलिए नहीं करोगे लगता है चलो कोई बात नहीं चलो देखते हैं टेन पैराग पैसेज आपको कर रहे हैं अब आपको ये भी बता दें ये पैसेज आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से तो उठाएंगे हर जगह आपको सेम मिलेंगे अब बताइए ये बात किसी ने देखी हमारे पास सब कुछ है हम सब कुछ उसमें देख के आपको तब बताते हैं आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से उठाइए दस पैसेज और उन दस पैसेज पांच तो हम यहां दे दे रहे हैं बेटा डेफिनेटली आपको ये करके जाना है पांच पैसेज जो हम आपको दें इन पांचों पैसेज को सॉल्व कर लीजिए हम भी करवाएंगे नेक्स्ट सेशन जो होगा उनमें से किसी एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं बच्चे फ्राइडे वाले दिन शाम सात बजे जैसा कि टाइम टेबल कहता है इसके लेकिन आपको पांच पैसेज आपको करने कौन से और पांच पैसे जो आपको करने हैं वो करने हैं बेटा किसी की जीवनी से अब जीवनी क्या है जैसे मुंशी प्रेमचंद के ऊपर दे दिया जाए जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर दे दे दिया दे दिया जाए जाए जैसे महात्मा गांधी के ऊपर और ये जो पैसेज हैं इनको और साथ में जो भारत वर्ष वाले पैसेज हैं जो भी भारत वर्ष वाले पैसेज हैं इनको बहुत बढ़िया आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा थैंक यू एंड लव यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो पूरा किया ऐसे ही जोश बना रहेगा आपका टीचर पूरी रात भी चिल्लाता रहेगा आपकी जरूरत है हम आपके साथ दिन रात खड़े रहेंगे आपको महातांडव की वीडियो भी आपको इसी वजह से चार चार घंटे की वीडियो मिली ठीक इसका स्क्रीनशॉट लिया नेक्स्ट देख लीजिए बाद में फिर आया हमारा देश महान बेटा अगर साहिर सर साहिर बाबा आपके द्वारा दिया गया नाम इनकी बात ना मानी पछताओगे तो बाद में ये मत कहना कि सर हमने ये तैयार नहीं किया बताया तो आपने था हम आपको पैसेज इसीलिए बता रहे हैं ये ये ऐसे पैसेज हैं जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस पर कोई तुक्का तुक्का नहीं नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता हम बिल्कुल रहे अनुभव से आपको ये बात बता रहे हैं अनुभव से कि पैसेज आपके ऐसे ही आएंगे कैसे पैसेज ऐसे जहां पर देश की बात होगी वो देश वाले हमारा देश हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता ये पैसेज तैयार करेंगे पैसेज तो तीस पैंतीस दिए हैं लेकिन फिर भी हम उनमें से चुन के आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है ठीक दूसरा पैसेज ये हुआ और इसकी कम से कम एक पैरा एक पैसेज या एक पैराग्राफ आपको पर डे करना है दो चार पांच नहीं करने हैं बेटा पांच नंबर आपको ये देकर जाएगा एक पैराग्राफ का प्रैक्टिस केवल एक दिन मैक्सिमम पंद्रह मिनट केवल पंद्रह मिनट आप चाहे सॉल्वड वाले कर रहे हैं बेटा सॉल्वड उसका सोल्यूशन गूगल पर डाल के कर ले, लेकिन वो एक दिन में केवल एक हो ये बात मानना टॉपर्स के टाइम टेबल कोई स्पेशल नहीं होते बट टॉपर्स जो टाइम टेबल बनाता है वो उसे फॉलो करता है एवरेज वाला बच्चा टाइम टेबल को दो फॉलो करने के बाद फिर अपनी खिचड़ी बनाने लगता है तो खिचड़ी और वैसे ही खा ले वैसे ही खा ले जल्दीबाजी तो जल्दीबाजी और अन चीजें बिगड़ जाती है यह बात ध्यान रखना तो टॉपर केवल टाइम टेबल को फॉलो करता है जो उसने फर्स्ट डे किया एंड ही थिंग द लास्ट डे ऑफ हिज प्रिपरेशन अपनी परीक्षा के तैयारी के अंतिम दिन भी वही वो, वो करता है यह बात ध्यान रखना ठीक एक दिन में केवल एक पैसेज करेंगे तो ये ले लीजिए मेरा देश महान भारत महाराणा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक देखो यहाँ महाराणा रणजीत सिंह के ऊपर हमने इसीलिए दिया ताकि आपको ये बात रहे याद कि आपको अगला जो करना है वो आपसे टॉपिक वैसा करना है जो कि आपके पर्सनैलिटी बेस्ड हो बायोग्राफिकल हो बायोग्राफी संबंधित मुंशी प्रेमचंद के ऊपर हमने ये लिया है अगर आपको ये बात सत्य न लग रही हो तो इस सेशन को भी हम डिलीट नहीं करेंगे इस सेशन के नीति वीडियो पड़ी रहेगी आप कमेंट आके करिएगा जब आप अपनी परीक्षा दीजिएगा आपको देखेगा कि हमने जो दस पैसेज आपको अंदाजन बताए हैं पैसेज आपका उसी से संबंधित और वहीं उन्हीं में से एक हो गया आ गया ठीक बहुत बढ़िया आगे चलते हैं भैया अब लास्ट वोकैबरी हमने इसलिए नहीं बताई वो घंटे के अंदर नहीं कर सकते वो एक है, एक -एक वर्ड आपको बताना पड़ेगा एटलीस्ट दो घंटे का सेशन लेंगे नेक्स्ट वीक या इसी फ्राइडे जिस टॉपिक ऊपर सबसे ज्यादा कॉमेंट होंगे वही सेशन लेकर आएंगे आपके जाहिर बाबा ये बात आपसे वादा करते हैं चलिए अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा ठीक ये पहले फ्लैमिंगो के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पांच क्वेश्चन शॉट आप ले सकते हैं हाउड फ्रांस रियक्ट टू डिक्लेन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन उ वॉज व्यरिंग अबाउट द लास्ट लेसन वाई वर्सिंग इन द क्लासरूम तीन क्वेश्चन वो एग्री दैट प्रोमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रियप्टे आपके सेकंड चैप्टर से है वाई डू यू थिंक दिस है इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट ये भी आपका चैप्टर नंबर सेकंड से है बच्चा अब इसके बाद स्क्रीन शॉर्ट ले लिया चलिए अब आगे और फ्लेमिंगो के पांच क्वेश्चन व्हाट फोर्सेस कंस्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड याद रखिएगा व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ द फिरोजाबाद इन पोवर्टी ये लिख लीजिए मेंशन द हेजर्ट ये की की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का जिसे लॉन्ग में भी पूछा जाता है बेटा और शॉर्ट में भी आपके किसी एक सेट में इस बार भी या तो ये शॉर्ट में पूछा जाएगा और एक या तो लॉन्ग में पूछा जाएगा एक सेट में ये डेफिनेट है कि ये मेंशन ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वॉटर एंड हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस डगल अ स्विमर एंड वॉट मेड द दर फाइनली चेंज हिज वेज ये रहे दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया ये लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन लीजिए भाई फ्लैमिंगो के लॉन्ग क्वेश्चन ले लीजिए प्रांस थिंग्स विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द दिस मीन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग में और जो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो में पूछते हैं यूपी बोर्ड का फंडा ही अलग है वो कुछ भी पूछ सकता है तो अगर आपको शॉर्ट में पूछा तो चालीस वर्ड लिखिए लॉन्ग में पूछा तो अस्सी वर्ड लिखिए उसमें दिक्कत क्या है मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में दे दिया तो इसी को आप चालीस वर्ड में लिखेंगे फ्रांस सिंग मेक दि सिंग इन जर्मन यहां पर जो दिम वर्ड है बेटा इट इज फॉर पिजिन इवन दिजन विस लिखा जा सकता है इसका मतलब एक्सप्लेन करके दस लाइन में भी लिखा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल लाइक साहब आलम सेटल इन सीमापुरी तो साहिब आलम और मुकेश के करेक्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा कहा से वो आया कब आया और क्यों आया इसके बारे में पढ़िए यह लॉन्ग क्वेश्चन आगे कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन है बता आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और है, वो ये देखिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके हु वो साहेब देखिए हमने जानबूझ के ये डाला भी एक क्वेश्चन कि आपको साहेब और मुकेश के बारे में पढ़कर बिल्कुल जाना है वट वॉज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ डेली फॉर रैक पिकिंग एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सबसे ज्यादा संभावित जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फाइव जो लॉन्ग क्वेश्चन है फ्लेमिंगो बुक से वो भी सेकंड चैप्टर से लिया है एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन ग्लास इंडस्ट्री एंड इन एवरी अदर यार्ड द फाइंडरल ऑफ बैंगल इवन द मेकर्स मेकर माइजल कंडीशन वॉट आर द रीजन एक्सप्लेन विदेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन आपको एक्सप्लेन भी करना है और कुछ सजेशन भी देनी है ठीक ये लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन वेरी गुड पीयूष हमें वीडियो खत्म होने के बाद हमें कमेंट जितने मिलेंगे बच्चा उसके ऊपर चलेंगे ठीक है ठीक आगे देखेंगे डिस्क्राइब द द एफर्ट्स मेड बाय डगलस टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर देखिए डगलस के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा उनके फियर के बारे में जब आप डगलस ऑफ फियर के बारे में पढ़ के जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर होने वाले हैं नेक्स्ट देख लीजिए

थर्ड लेवल आपके फर्स्ट चैप्टर से यह मोस्ट इंपोर्टेंट हमने तीन क्वेश्चन निकाले सेकंड चैप्टर आपका कौन है वो एंड हाउ वॉज ही नेम्ड और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पढ़ा या फिर हो सकता है सिंगल क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ वॉज द मैन कॉल्ड द टाइगर किंग उसको टाइगर किंग क्यों कहा गया और वो था कौन ऑफ द द द टाइगर टाइगर किंग किंग डिड टेल महाराजर ये एस्ट्रोलॉजी उसकी क्या थी एस्ट्रोलॉजर की एस्ट्रोलॉजी जरूर पढ़ लीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजर ने एस्ट्रोलॉजी करी थी कि टाइगर किंग जो है ये जो दस दिन का प्रिंथ है ये किसी टाइगर की वजह से मरेगा इसीलिए यह एस्ट्रोलॉजी भी आपको याद करके जाना है ये फर्स्ट फाइव शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड फाइव शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर अब हमने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि आपको लिटरेचर में भी अगर तैयार करने हैं तो आपके उन्नीस चैप्टर में आपको क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं अगर आप विश्वास कर रहे हैं साहिर बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है बच्चा हम बिला फालतू में बकवास ना करेंगे हम सिर्फ वही बताएंगे जो ऐसा नहीं हम क्या, हम क्यों चाहेंगे कि बच्चे हमारे कम पढ़ें हम क्यों चाहेंगे बच्चे हमारे फेल हो हम यही चाहेंगे बच्चे हमारे टॉपर बने लेकिन हमें उन बच्चों का भी सोचना है जो एक तारीख को जागे दो जनवरी को जागे या अभी भी बहुत से बच्चे सो रहे हैं ठीक है तो इस वजह से ही हमें आपको बहुत शॉर्ट में बताना पड़ रहा है वेरिकल डिट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ टाइगर किंग के बर्थ के समय क्या मेरेकल हुआ एंड हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका अंटार्कटिका वो ऑथर कैसे पहुंचा कौन है ये चैप्टर नंबर थ्री जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया चैप्टर क्वेश्चन व्हाट वाज़ द वंडर अबाउट रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका जब राइटर या ऑथर तिछानी दोषी पहुंची उनका एक्सपीरियंस कैसा था एंड हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब वी नो और ये ये जो प्रेजेंट शेप हम जानते हैं दुनिया का ये कैसे बना द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम अगर आप ये तीन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं दसों में से तैयार करके जाए डेफिनेटली आपके चार क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे क्योंकि छह ही चैप्टर है छह चैप्टर में तीन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए पहला दूसरा और तीसरा ठीक चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन और इन्होंने डाल दिए आप इसे देख लीजिए चैप्टर नंबर फोर से भी ये दिया हुआ है ठीक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं विस्टर्स के पहला क्वेश्चन हाउ डिड चार्ली रीच टू तो थर्ड लेवल एंड हाउ वाज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई

हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग अब यहाँ पर तीन शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है आप देखेंगे तो ये तीन अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हु वॉज अ टाइगर किंग सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वर इज अदर नेम्स एंड थर्ड क्वेश्चन हाउ वॉज ही नेम्ड एज अ टाइगर किंग ठीक नेक्स्ट है हाउ द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग जंग बहादुर पालना पोसना स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड वॉट डिड एस्ट्रोलॉजर से उन्हें एस्ट्रोलॉजर को क्यों बुलाया और उसने क्या कहा एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था यही कहा था कि महाराज आपकी मृत्यु एक किंग से एक टाइगर के कारण होगी इस बात को एक्सप्लेनेटरी मोड में लिख देना है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विस्टा से देख लीजिए बच्चे लास्ट में व्हाट वॉज द वो ऑफ महाराजा एंड हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड वॉट डेंजर्स डिड ही फेस यहां पर भी देखो यहां पर तीन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए एक ये एक ये और एक ये और तीनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है इस वजह से कि महाराजा ने क्या वो करी थी वो का मतलब क्या शपथ खाई थी व्हाट वाज एकेडमिक शोकालसी की एकेडमिक शोकालसी की चैप्टर नंबर थ्री से इसके बारे में पढ़िए कि अकादमिक शोकालसी क्या था एंड व्हाट वाज इट्स मिशन एंड हाउ वाज इट अकम्प्लिशड और कैसे अकम्प्लिश हुआ एंड व्हाट वाज गोंडवाना

चलिए तो ये सेशन रहा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बच्चे ये रहा आपका है। प्यार एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे तो इन वीडियो को जरूर आप देखिए महातांडव जहां पर पूरी इंग्लिश लगभग हमने खत्म करी आर्टिकल के मोस्ट टॉपिक आप यहां पढ़ सकते हैं आप यहां तैयार करिए इवन दो आई विल ब्रिंग सम अदर ऑन एज वेल मॉडल पेपर का सोल्यूशन या मॉडल पेपर कैसे करें इस वीडियो को जाके जरूर रिकमेंड लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ये रहा एक बार फिर से आप चाहें तो इस नाम से सर्च करें और हमसे जुड़े इंस्टाग्राम पर टाइम टेबल आपका ये रहा और इसी टाइम टेबल के अनुसार अपनी तैयारी करते रहे बच्चे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहे और अगला सेशन आपके महारथी मोस्ट डैशिंग पर्सनालिटी ऑफ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम किशन पांडे सर आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए तो आप लोग जाइए पानी पीकर तुरंत वापस आइए कि उनके एनर्जी के सामने तो पानी भी ऐसी ऐसी हो जाती है वो भी पानी पानी मांगता है चलिए स्टार्ट करेंगे वो सेशन तो हमें एंड करना पड़ेगा इस सेशन को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच डू कॉमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स कॉमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करते हुए चैनल को जाइए ताकि ऐसे ही दमदार जोरदार